टाइम से कर रहे हैं माशाल्लाह, 50 साल हो गए, 50 साल हो गए। और भाई ये बड़ी मशहूर हैदराबाद में ये फिल्म का चल रहा है, पाँच छह मन बिक जाती है। अच्छा माशाल्लाह, चाहे पता लगा दिया हमने इसको, और इसके ऊपर चाट मसाला ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको रखते हैं साइड में। अब इसको हम लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं बगैर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जनाब। एक और हैदराबाद के ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हैं, और आज हम आपको एक फिश का रिव्यू देने वाले हैं। ये जिस फिश पे हम आपको लाए हैं, ये जनाब हाजी मुकीम फिश एंड चरगा हाउस, और ये जनाब है 50 साल पुरानी ये फिश है, और हो सकता है कभी आप लोगों ने ट्राई की हो। ये है हैदराबाद का मियानी रोड, जहाँ पर ये मशहूर ज़माना फिश जो है यहाँ पर मिलती है। चेले से इन्होंने काम का आगाज़ किया था माशाल्लाह, और आज एक पूरी दुकान लेके बैठे हैं। छोटा सा जो है बैठने का सिस्टम भी है, सेटअप भी है, फैमिली के लिए भी रूम है इनके पास, और ज़्यादातर जो है इसका यहाँ बैठ के खाने का जो है वो ज़्यादा है। और आए इनसे जानते हैं, पूछते हैं कितने टाइम से कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, सारा रिव्यू देंगे, खा के भी आपको बताएंगे कि कैसा है। जी हाजी मुकीम साहब आजाद है, खुद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे साहब आप? हाँ जी, खैरियत अल्लाह का करम। अच्छा हाजी साहब, कितने टाइम से कर रहे हैं माशाल्लाह? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। और भाई ये बड़ी मशहूर हैदराबाद में इनकी ये फिश और चरगा है, जो काफी मशहूर है। लोगों ने रिकमेंडेशन पर जो है मैं यहाँ पर आई हूँ, और टेस्ट भी करके बताएंगे। हो सकता है कभी अपने बचपन में खाया भी हो, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी आपको टेस्ट करके हम बताएंगे। अच्छा माशाल्लाह, कितनी जो है रोज की आपकी ये फिश जो है चली जाती है, कितना आप कितना बनाते हैं आप इसको? पाँच छह मन बिक जाती है। अच्छा माशाल्लाह, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, या सर्दी में नहीं, गर्मी में कम होती है, सर्दी के अंदर 5-6 मन बिकती है, और गर्मी के अंदर जो है आधी से। अच्छा सही, उसकी आधी कह लें आप। अच्छा जो चरगा है वो माशाल्लाह क्या हिसाब है, और ये जो आपकी फिश है ये क्या हिसाब है? चरगा 360 रुपए का सीने वाला पीस है, क्वार्टर पीस। रान वाला 320 का है, और ये संग्रह मच्छी कहलाती है, वो 1800 रुपए किलो है। रोहू जो है वो 1600 रुपए किलो है। ये अच्छी मच्छी होती है। अच्छी मच्छी होती है। अच्छा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं माशाल्लाह से? वही टेस्ट है, 50 साल पुराना आपका, शुरू से आप ही कर रहे हैं या कोई और थे? नहीं मैं ही कर रहा। माशाल्लाह से 50 साल से यही खड़े थे, जब स्टार्ट किया था यही से कर रहे हैं, आगे कहीं और गए थे आप? थोड़ा सा आगे ठेला लगाते थे, 30-35 साल ठेला लगाया, उसके बाद अल्लाह ने दुकान दिला दी। अच्छा माशाल्लाह की मेहरबानी हो गई। तो अच्छा जी, ठेले से काम शुरू किया था, आज अपनी दुकान है माशाल्लाह। तो क्या एक्सपीरियंस है ठेले पे, और अभी लोगों का आप क्या एक्सपीरियंस है माशाल्लाह बैठने की जगह है? हाँ मतलब ये है कि अब ये जो ग्राहक है इनके लिए सहूलत हो गई, नहीं तो पहले थल्ले पे बैठ के इधर उधर बैठ के लोग फिर खा के चले जाते थे, लोग गाड़ी में बैठ के। अच्छा अच्छा एक सवाल और करना चाहेंगे, अभी मैंने देखा, मैं खुद हैदराबाद से हूँ माशाल्लाह, मेरा सारा बचपन यही गुजरा है। आज से 20 साल पहले ऐसा कोई रिवाज नहीं था, ना कोई लेडीज आके बाहर खाना खाती थी, तब के और अब के में क्या डिफरेंस आ गया, ये जरा हम जानना चाहेंगे। अब ये है कि पहले जो है कि बाहर जो है बिल्कुल कम लेडीज खाना खाती थी, अब जो है अक्सरियत जो है बाहर हो चुकी है, चेंज हो गया ना। हाँ पहले तो लोग बाग अपने घरों में ले जाके खाते थे, मुसाफिर या कोई मेहमान आ जाते थे तो बाहर खाते थे, अब तो बाहर खाने का रिवाज बन गया। बाहर खाने का रिवाज बन गया। अब खवातीन भी चलो बच्चों की इनकी आउटिंग हो जाती है, वक्त के हिसाब से चेंज आ गया। अच्छा ये रोहू है? हाँ ये सिर्फ दो ही तरह की मछली आपके पास होती है, कुछ और भी? रोहू, संगरा, पापलेट, व्हाइट पापलेट, काला पापलेट, सब सभी मछली होती है। ये अच्छी मछलियों में से है, सारी अच्छी ए क्लास की मछली आप इस्तेमाल करते हैं। मसाला कोई सीक्रेट मसाला है जो लोग माशाल्लाह वहाँ से यहाँ आ गया? मसाले अपने बनाते हैं, अपने बनाते हैं सारे मसाले। आप खुद अपने हाथ से लगाते हैं या कोई कारीगर वगैरह आपके पास? नहीं मैं खुद भी कारीगर भी हैं, मैं खुद शुरू से ये मछली को काटना ये सारा काम शुरू से किए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह काटते भी खुद ही अब तो? खैर माशाल्लाह 2-3 मन 4 मन को काटना आसान नहीं है। हाँ नहीं टाइम लगता है, टाइम लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं। हाँ बिल्कुल 3-4 घंटे लग जाते होंगे। अच्छा चलें ऊपर चलते हैं, फैमिली रूम जो है वो इनका ऊपर है, और मेरे ख्याल नीचे भी है, नीचे जगह नहीं है, ऊपर चलते हैं और फिश को करते हैं एंजॉय। अच्छा जी खाना आ चुका है, ये आई है फिश, और ये सांगरा फिश है, और जनाब ये समंदरी फिश है। ये जनाब जबरदस्त नींबू का तड़का लगा दिया हमने इसको, और इसके ऊपर चाट मसाला ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको रखते हैं साइड में।
और ये दूसरी पे भी लगा लेते हैं। ये इतने से नींबू लाए हैं भाई साहब, सब पे ही लगा लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो है इस मछली को खाना है तो ये इस तरह की चपाती ही जो है इसके साथ मजा करती है, तंदूर के साथ ये बिल्कुल मजा नहीं करेगी, नान या तंदूर की रोटी के साथ आप इसको चपाती के साथ इंजॉय करें। और ये कोई तीखी सी यकीनन इसकी ये चटनी होगी, और देखने में इतनी तीखी है पता नहीं खाने में, तो ट्राई करते हैं क्योंकि अमूमन फिश के साथ तीखी चटनी जो है वो सर्व की जाती है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब ये देखें जी, मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी आ रहा है, इसके पहले ट्राई करते हैं। जबरदस्त, अब इसकी चटनी को भी ट्राई करते हैं। ये देखें ये जनाब, अब लगाते हैं इसको चटनी के साथ। चटनी अगर तीखी हुई तो जनाब ये देखें जी, पूरा मैंने इसको चटनी से तर कर लिया। नहीं नहीं चटनी बड़ी जबरदस्त, बहुत तीखी नहीं है, बेहतरीन। इसको आप ऐसे ही ट्राई करें, बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, मुझे लगा बहुत तीखी होगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, बेस्ट है। अच्छा जी, अब इसको रोटी के साथ ट्राई किया, अब इसको हम लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं बगैर रोटी के ही जो है। अच्छा, इसके साथ जो है कांटा कोई भी नहीं है, पूरी फिश जो है वो बोनलेस है, कोई कांटा इसमें मौजूद नहीं है। जबरदस्त है भाई, अगर आप फिश लवर हैं आप इसको जरूर पसंद करेंगे, बिल्कुल फिश के अंदर कोई स्मेल नहीं है, समंदर की ये फिश है। और इसका गोश्त देखें, बिल्कुल फ्रेश जो है ये मछली है, जाहिर है इतने लोग आ रहे हैं खा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है अपने क्वालिटी को भी मैटर करता होगा, क्वालिटी को भी मद्देनजर रखते होंगे। और बिल्कुल फ्रेश है, कोई इसके अंदर हीट नहीं आ रही है, और मसाला बिल्कुल सही जो है मसाला लगा हुआ है। ये भाई साहब जो है माशाल्लाह 50 साल से खुद ही मसाला लगा के और हम तक लोगों तक आवाम तक खिला रहे हैं, कारीगर होते हैं, लेकिन असल रेसिपी जो है वो इनकी अपनी ही है, और शायद यही वजह है कि उनके हाथ का जायका जो है वो इस मछली के अंदर शामिल है। अच्छा, मछली का मसाला तो खैर इनका अपना है ही, वो तो इनकी अपनी रेसिपी है। और ये जो आप चाट मसाला देख रहे हैं जनाब, ये चाट मसाला भी इनका अपनी ही रेसिपी है, जो इसके ऊपर बुरका के जो ये लेके आए हैं। कुछ इसका अपना भी जायका है, कुछ चाट मसाले ने इसको और इन्हेंस कर दिया है, और जनाब इसके साथ ये मज़ेदार जो चटनी है इसने तो इसका मज़ा दुबाला कर दिया है। और हम करते हैं जनाब इस मछली ज़बरदस्त मछली को इंजॉय। आप लोगों को अगर यहाँ आना हो तो ये कहलाता है, कौन सा रोड है बाबर साहब? मयानी रोड है ये, हैदराबाद का मशहूर मयानी रोड, हैदराबाद का मशहूर मयानी रोड। और ये है हाजी मुक्की फिश हाउस। बाबर साहब आपने पहले कब खाई थी? तकरीबन 20 साल पहले। वही जायका है, अभी खाएंगे, अभी तक तो खाया नहीं, थोड़ा टेस्ट कर। मुझे हो सकता है कभी बचपन में खाया हो, मुझे याद नहीं है वैसे, लेकिन खाने में बहुत नो डाउट बहुत अच्छी है। और आज यहाँ हम आए तो बाबर साहब मुझे लेके आए कि अपने बचपन में कभी खाया करते थे, तो मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। और खाने में अच्छी, इसलिए तो यहाँ पर आए, याद करके आप बिल्कुल, और इसीलिए आपको लेके आए। आप लोग भी आइएगा, जब कभी आपका हैदराबाद आना हो तो इस मच्छी को जरूर इंजॉय कीजिएगा। फिर मिलेगा नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।